पंजाब यूनिवर्सिटी च पुट्टा दी चोण च एक बार फिर ते मृत्युंजय ग्रुप दी होई जीत। पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच मृत्युंजय ग्रुप दा होवेगा दूजा कार्यकाल। मृत्युंजय कुमार ने अपने प्रधान दे ओहदे लई खड़े मौजूदा विरोधी धिर दे प्रधान मनु शर्मा नूं 51 वोटां नाल हराया। मृत्युंजय नूं 292 ते मनु शर्मा नूं 241 वोटां मिलियां। एक बारी मुड़ तो पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच पुट्टा दे प्रधान मृत्युंजय कुमार बन गए हन। ते साडे नाल इस वेले पुट्टा दे जिहड़े इलैक्शन होए ने जिस तरीके दे नाल मृत्युंजय कुमार नूं वध वोटां मिलियां ने। मृत्युंजय साहब जगवाणी ते बहुत बहुत स्वागत है, की कहोगे जी? पूरे शिक्षक समाज ने जी जो हमें मान सम्मान दिया उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं जी। इस बारी जेडे इलेक्शन होए काफ़ी कांटे की टक्कर वेखी जा रही थी पिछले एक दो महीने तो जदों तो नोमिनेशन भी उस तो बाद फाइल किए गए थोड़े तो विरोधी गुट के बीच तो हूँ वो माहौल जड़िया गल्ला अपने घोषणा पत्र के कही ने सतवा पे कमीशन दल्ल कही ने कदों तक उन्होंने अमल हो जाएगा? सतवा पे कमीशन पर हमारी गलबात एजुकेशन मिनिस्टर से एक लेवल पर तक हो रही है जी और उसकी मीटिंग लगातार जारी है, कल भी एक मीटिंग जी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से एजुकेशन सेक्रेटरी और एजुकेशन मिनिस्टर ने जी हमारी बात को सुना और धरना हमारा उठा था जी, जल्द से जल्द इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आने वाली है जी। ते बाकी जेड़ियां मंगा ने तुहाड़ियां तुहाड़े वल्लों जेड़ियां गल्लां कहियां गईयां ते प्रशासन दे विचारे भी तुहाड़ी जेड़ी मंगा नूं लैके काफ़ी जेड़ी तलखी ओह वेखी जांदी ते उन्हां मंगा पासे कदों तो अमल होना शुरू हो जाएगा? ऐसा है जी, हमने जब लास्ट पूटा में लास्ट पूटा प्रेसिडेंट भी मैं ही था जी तो हमने कैश प्रमोशन 138 टीचरों का करवाया जी, उसमें भी हमें 62 डेज का संघर्ष करना पड़ा जी, लेकिन अल्टीमेटली वाइस चांसलर को करना पड़ा जी। उसके अलावा लाइसेंस फी एक था जो गलत तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमारे ऊपर हमारे टीचरों के ऊपर लगा दिया था जी, यूटी के सर्कुलर के बेसिस पर जी, उसको भी हमने रिवोक करवाया आरटीआई के जरिए जब मुझे इन्फॉर्मेशन सही मिली जी। उसके अलावा गवर्निंग बॉडी के गठन के लिए भी पूटा ने काफी लड़ाई लड़ी जी, और आपको पता होना चाहिए कि अब गवर्निंग बॉडी भी ऑलमोस्ट बनने के लिए तैयार है जी जी। इस तरह से और भी बहुत सारे मांगे हैं, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट जो टीचर 65 के हो गए हैं जी, उनका पीएफ का केस लटका हुआ है जी, जैसे बड़े बड़े घर जो है कैटेगरीज के घर का आवंटन का और एक वेटिंग लिस्ट का मसला है, वो भी पिछली पूटा ने काफी जद्दोजहद के बाद उसको तैयार करवाई थी, वो भी पेंडिंग है वाइस चांसलर के दफ्तर में। तो सेवंथ पे कमीशन हो, हाउसिंग का मसला हो, पीएफ का मसला हो या रिटायरमेंट बेनिफिट का मसला हो, उस पर पूटा पहले से काम कर रही है जी, और इसको हम जल्द से जल्द हल करवाएंगे जी। ते हुण तुसीं यू टर्न मारिया, बहुत घट वोटां दा अंतर वेखण नूं मिलिया, लगभग 50 तों इक की वध वोट सीगी, ते अगले साल भी की लगदा है तुसीं यू टर्न मारोगे या किसे होर नूं मौका? नहीं नहीं, ये हमारी टीम है, इस बार 3 लोग नए आए हैं हमारी टीम में जी, ठीक है, तो हमारी टीम एक साल के बाद इसको डिस्कस करेगी, अगर जरूरत पड़ा तो कोई भी लीडर हो सकता है हमारी टीम जी। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं ही आऊं जी, एनी अदर पर्सन कैन कम जी। ते इलेक्शन आज तू ही जीते हो, एक शिक्षक हो, इलेक्शन नु लेके क्योंकि काफी सूबियां दे विच इलेक्शन होण वाले ने, पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच भी इलेक्शन दा माहौल वक्-वक् टाइम ते बनया रहिंदा, चोणां नु लेके ते इलेक्शन नु लेके वोट दी जिहड़ी महत्ता उहनु लेके अपने स्टूडेंट्स नु की कहोगे? स्टूडेंट को हम ये कहेंगे कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप अपना विश्वास रखिए जी, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक रखने के लिए जो भी बनना बन पड़ता है उसके लिए हमें रास्ता अपनाना चाहिए जी। तो स्टूडेंट जो है शांतिपूर्ण तरीके से पहले अपनी मांग रखें जी, और अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो फिर उनको जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत जरूरी हो उस तरह से संघर्ष का रास्ता देखना चाहिए जी। चलो सर, साडे नाल गलबात करने लई बहुत बहुत धन्यवाद जी।